नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। आज महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बरवा कला में दो घरों में भीषण चोरी हुई है और रात में हुई है बता रहे हैं। जो चोर हैं वह रात के 12-1 बजे घर में घुसे हैं और मौके पर ही हम मौजूद हैं जहां चोरी हुई है। आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो हमें सूचना मिल पा रही है वो बता रहे हैं कि जो चोर हैं इस रास्ते से यहां तक आए हैं और बता रहे हैं कि ये थोड़ा सा दिखाइएगा, यहां से ऊपर बता रहे हैं कि यहां से ऊपर चढ़े हैं और जो वहां गमला रखा हुआ था ऊपर वो बता रहे हैं कि वो नीचे गिर गया था। उसके बाद फिर वहां से चढ़ने के बाद जो चोर हैं वो कमरे में गए हैं। मैं आपको वहां लेके चलता हूँ। दो मंजिला जो मकान है उसमें वो लोग लेके गए हैं। उसके बाद फिर ये सीढ़ियों के रास्ते मैं आपको वहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दो मंजिला मकान है, यहाँ मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर, वहाँ गए हैं। उसके बाद वहाँ जो अलमारी रखी हुई है उसको खंगालने की कोशिश की गई है पूरी तरीके से और लोग बता रहे हैं कि उसमें कुछ पैसे रखे हुए थे। ये नहीं पता चल पाया है कि पैसे कितने थे, लेकिन वो जो पैसा था, ये दरवाज़ा है, ये पूरी तरीके से ऐसे ही खुला हुआ था और यही वो अलमारी है। ये अलमारी है, बता रहे हैं कि ये सामान पूरी तरीके से बिखेरा हुआ था। यही अलमारी है, बता रहे हैं कि ये तोड़ दिए थे, ये ऐसे ही खुला हुआ रखा था। इसमें जो भी कीमती सामान रहा होगा उसको वो लोग निकाल लिए हैं। उसके बाद निकालने के बाद फिर जो आपको मैं दिखा रहा था कि यहाँ ये जो गमला है ये बता रहे हैं कि नीचे रखा हुआ था और उसके बाद यहाँ से वो लोग जैसे मैं बताया ना कि ऊपर यहाँ से चढ़े हैं, फिर यहीं से उतर गए हैं। यहाँ कुछ उनको लगा होगा कि और हमें खंगालना चाहिए, तो वो और जो कीमती सामान है उसको लेने के चक्कर में फिर से जो वहाँ बाहर में गली है दो घरों के बीच में बना हुआ है वहाँ पर गए हैं। और वहाँ से आपको दिखाऊंगा मैं कि एक विंडो बना हुआ है, खिड़की है, उसको वो लोग तोड़कर फिर से वो अंदर घुसे हैं। और अंदर घुसने के बाद जितना भी घर में जो भी जितना सामान रखा था, ऐसा कोई कमरा नहीं है जिसको खंगाले नहीं होंगे, बस जिसमें लोग सोए थे वही कमरा बचा है कि इसको खंगाले नहीं, बाकी जितने भी कमरे थे उसको उन लोगों ने बाकायदा टटोला। और एक और चीज़ है कि इतने बड़ा घर है और इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी हिम्मत कितनी तेज़ है। ये देखिए यहाँ पूरा सामान रखा हुआ है, बिखरा हुआ है और यहाँ पर ये घर की स्थिति देखिए, ये घर की स्थिति देखिए, पूरा सामान बिखरा हुआ है और जितना जो निकाल पाए वो अपने साथ लेके गए हैं। और फिर बार बार कहूँगा कि जो चोर थे उनके मन में थोड़ा भी दहशत नहीं था। थोड़ा सा विंडो दिखाइएगा, मैं जाऊँगा वहाँ अंदर जाऊँगा अभी। ये विंडो देखिए, विंडो को पूरी तरीके से यहाँ तोड़ दिया गया है, छड़ जो है इसको निकाल दिया गया है। तो चोरों का जो एक होता है ना कि दहशत, उनके मन में थोड़ा भी पुलिस का डर नहीं है, नहीं तो इतना अंदर आके और तोड़ना अपने आप में एक बड़ी बात है। ये देखिए दरवाज़ा ऐसे ही खुला था और ये देखिए, थोड़ा सा पैर रखने की जगह बनाता हूँ मैं, थोड़ा सा कैमरा पर्सन ये दिखाइए, पूरा ये पूरा खुला हुआ है। इसको एकदम इत्मीनान के साथ वो जो विंडो में दिखा रहा था वहाँ से घुसे हैं, पूरे इत्मीनान के साथ इसको खंगाला गया है। उसके बाद जब उनको तसल्ली हो गई है कि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिल सकता है, उसके बाद वो चोर जो हैं वो यहाँ से निकले हैं। लोग बता रहे हैं कि जब गांव में वो घुसे हैं तो एक पोल लाइट लगा हुआ है छोटा, उसका तार काटे हैं और एक बगल का जो घर है वहाँ से वो लोग बल्ब जल रहा था वो निकाले हैं। हमारे साथ यही घर जिनका घर है वो बने हुए हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या क्या हुआ है, कैसे पता चला। भैया क्या नाम होगा? भैया मेरा नाम रामाशंकर त्रिपाठी है। ये बताइए रामाशंकर जी, कब पता चला है कि आपके घर में चोरी हुई है? सुबह के समय जब बच्चे कपड़ा पहनने के लिए गए हैं तो बच्चों का ही कमरा है ऊपर वाला, तो कमरा बाहर से ही बंद था, हमारे सीढ़ी जीने का कमरा बाहर से बंद था। तो उस समय बच्चों ने कब बताया मुझे कि बाहर से कमरा बंद है,
तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हम लोग कमरा अंदर से बंद करके आते हैं, तो बाहर से कैसे बंद होगा। तो सुबह लगभग वही 7 बजे के लगभग मुझे जानकारी हुई कि मेरा ऊपर वाले कमरे में चोरी हुई है, जिसमें से मेरा बच्ची का अपना पैसा कलेक्ट करते 2,500 रुपये वहाँ से चोरी हुआ है, और सारा सामान अस्त व्यस्त करके रखे थे, अभी तो वो व्यवस्थित कर दिया है हमने। और कुछ चोरी हुआ है, और गहना वगैरह कुछ? गहने में हमें थोड़ी देर बाद पता चला कि हमारे नीचे वाले कमरे में भी चोरी हुई है, और जहाँ हम लोग रहते हैं उसके जस्ट बगल वाला कमरा है, उसमें झुमकी, झाली, लेडीज़ अंगूठी 6, जेंट्स अंगूठी 3, पाजेब 1, पायल 5, मंगलसूत्र 2, चेन 1 और एक ब्रेसलेट चांदी का। अच्छा, अगर इसको पूरा मिलाया जाए तो कुल कितने पैसे, लगभग जो गहने हैं उनको मिला के लगभग कितने पैसे की चोरी हुई है? अब ये लगभग मान के चलिए कि 1.5 के नियर अबाउट है, 1.5 लाख, 1.5 से ऊपर ही, 2 से 3 लाख, मतलब 1.5 से ऊपर होगा। हाँ, 1.5-2 लाख होगा। आपके अंदाज से कि कब चोरी हुई होगी? रात में सर देखिए 12-1 बजे तक तो मोस्टली मैं जगता ही रहता हूँ, हो सकता है कल थोड़ा पहले सो गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, 11 और 12 के बीच में ही हम सोते हैं। अच्छा, और ये चोरी लगभग 1 से 2 या उससे कुछ आगे पीछे आधा घंटा हो सकता है, 2 बजे के लगभग में ये हुआ है। आपको ऐसा होता है ना, कभी कभी होता है कि थोड़ा सा शक वगैरह किसी पे, ऐसा किस टाइप के लोग रहेंगे, ऐसा कुछ शक? देखिए चोरी करने के हिसाब से, देखिए अगर लोकल चोर होते तो वो थोड़ा बहुत करते, या बाहर कुछ रखा होता वो ले जा सकते थे, क्योंकि हम लोग के गांव में ऐसा कभी हुआ नहीं है, और इतनी बड़ी घटना को कोई प्रोफेशनल ही कर सकते हैं, जैसे बावरिया गिरोह हो गए, कच्चे बंजारा वाले बनियान चलते बंजारा वाले हो गए, या कच्चे बनियान वाले, इस टाइप के ही एक कोई प्रोफेशनल गैंग है जो इस समय एक्टिव हो गई है। और ये तो कहिए कि वो सामान पा गए कुछ अपने ले जाने भर का, अन्यथा कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी यहाँ यानी कि पे। सामान नहीं मिलता अगर उस कमरे में अगर कोई वो रहता सामान तो नहीं वो मार भी मिलता, सकते थे। हाँ अगर उस कमरे में सामान नहीं मिलता तो हम लोग इस कमरे में थे, इस कमरे का भी जंगला तोड़ के अंदर आते, उसके बाद किसी को हथियार के उस पे रखते और उसके बाद तब वसूली करते। अच्छा, मौके पर संपत्तियां चौकी इंचार्ज भी पहुंचे हुए हैं, क्या आश्वासन अभी तक पुलिस के द्वारा मिला है? अभी तक तो उनकी तरफ से भी इतना आश्वासन मिला है कि हम जांच करवाएंगे, गैंग के ऊपर सिद्धार्थनगर का कोई है उसके ऊपर उनको वो डाउट है, तो कह रहे हैं अभी हम उसको पता लगवाएंगे, वो बाहर है कि क्या है। अब तो देखिए फिलहाल ऐसी हम लोग के साथ तो पहली घटना है, और हमारे गांव में भी ये पहली घटना है। इसके पहले चोरी नहीं हुई थी? नहीं, इससे पहले कुछ नहीं हुआ था। एक फार्म हाउस टाइप का घर है, वहाँ भी चोरी की गई है, तो वहाँ भी हम कोशिश करते हैं आपको ले चलने की। प्रधान जी का जो फार्म हाउस है वहीं पर हम मौजूद हैं, छत पे। इसमें ताला लगा हुआ था और ये ताला तोड़ दिए हैं, उसके बाद वो लोग यहाँ आए हैं। जो ये ताला आप देखिए, ये वाला जो ताला है इसको ये कटर से काटा गया है, तोड़ा नहीं गया है, कटर से काटा गया है। इसको खोलने के बाद वो लोग इस कमरे में आए हैं, और अभी तो व्यवस्थित कर दिया गया है, लेकिन ये जो चीज़ें थी, चूंकि मुझे लगता है कैश के चक्कर में और जो गहना वगैरह था उसके चक्कर में आए थे, इसमें टीवी वगैरह रखा हुआ है इनका जो भी है, इसको उलट पलट के छोड़ दिए थे, और फिर उसके बाद ये लोग इस कमरे में घुसे। इस कमरे में घुसने के बाद बता रहे हैं कि ये जो फ्रिज है यहाँ पर ठंडा वगैरह रखा हुआ था, इसको ठंडे को निकाल के पी लिए, और उसके बाद यहाँ कुछ रखा हुआ था यहाँ रखने के बाद। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर वो जब घुसे तो पूरे घर में, वहाँ भी मैंने देखा उस घर में भी जिसमें चोरी की गई, यहाँ पर भी पूरे घर में वो लोग वो गुटखा खाकर, जो तंबाकू होता है उसको खाकर पूरे घर में थूके हैं। और यहाँ से निकलने के बाद ये लोग, ये जितना भी आपको कमरा दिखाई दे रहा है, ये जितने भी कमरे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ वो लोग इसको पूरा कमरे को खंगाले हैं। इसको खोलने के बाद फिर इस दरवाजे को वो लोग खोले हैं, और ये इसी रास्ते से वो लोग फिर भाग गए हैं। और उसके बाद शायद जाकर जो रेलवे स्टेशन है, अगर हम पहुँच पाते हैं तो उसको भी दिखाएँगे, वहाँ का ताला तोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं एक भीषण चोरी है, और जो चोर हैं उनके मन में पुलिस का खौफ नहीं है, नहीं तो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। साथ ही अब उम्मीद ये है कि पुलिस, जो नौतनवा पुलिस है, वह इस मामले में तत्परता दिखाते हुए जल्द से जल्द इसका खुलासा करेगी। प्रधान प्रतिनिधि आशुतोष सिंह जी हमारे साथ हैं। क्या क्या चोरी हुआ है आपके घर से, और कब पता चला कि इस घर में चोरी हुई? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक बैठका है जहाँ गल्ला वल्ला रहता है, कुछ सामान भी रहता है, और हमारा आदमी आता है इसको झाड़ू पोछा लगा करके चला जाता है।
आज सुबह आदमी आया, झाड़ू पोछा लगा के चला गया। श्रीमती जी आई पूजा पाठ करने, तो देखी कि मेरे एक छोटा लड़का है जो व्यवसाय करता है, उसके कमरे में कुछ सामान रखा रहा था, तो उसका ताला लोग कटर से काट दिए थे, तो पता और पीछे का खिड़की खोल करके निकल गए थे। छत के रास्ते से चढ़े थे। यहाँ हमारे घर का कोई मेंबर सोता नहीं है, हम लोग गांव में निवास करते हैं। हमारा जो आदमी यहाँ सोता है उसका 2 महीने से पैर फ्रैक्चर होने के नाते वो घर पे सो रहा है, इससे इस घर पे कोई रहता नहीं था। हमारे घटना घटने के बाद मैं जुटा तो गांव के तमाम लोग भी आ गए। मैंने सुनौतनवा को फ़ोन किया, वो तुरंत चौकी इंचार्ज संपतिया को फ़ोन किया और मैंने भी फ़ोन किया। चौकी इंचार्ज संपतिया आए और उन्होंने कहा कि मैं जल्द से जल्द मामला को वर्कआउट करूँगा। हमारे ही ग्राम में एक सेना के रिटायरमेंट हैं रामराज त्रिपाठी जी, उनको घरों में भी ऊपर चढ़ करके छत का जो है फाटक तोड़ करके और सारा सामान लूटा गया। गैलरी से जा करके उनका जंगला निकाल करके जेवर गहना पैसा आदि लिया गया। मैं वहाँ से आ रहा हूँ, देखा हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी अप्रिय घटना घटने से बच गई, ईश्वर हम लोगों की मदद किए। अगर मान लीजिए इसमें से कोई रहा होता या वो लोग जगे होते तो वो लोग कोई ना कोई अप्रिय घटना घट देते जिससे जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती। मैं चाहूँगा कि भविष्य में ऐसी घटना न घटे, गांव के लोग भी थोड़ा जागरूक हैं और पुलिस प्रशासन भी थोड़ा अपनी रेकी को बढ़ावे और इस पर निगरानी करके मामले का पर्दाफाश करे। जब तक मान लीजिए उधर बाहर पर जाना तो मने के नाइ के रहा था कुछ हुआ, लेकिन अंतर रेजिडेंशियल आवास हुआ घर के बीच में घेर हुआ ना भाई पूछावा घर बाहर बाहू या तो घर बाहर बाहर ₹1,000 रखा।